हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्रोकर एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को ब्रोकर की वेबसाइट या अदर किसी वेबसाइट के लिए कैसे डिलीट और उस अकाउंट को कैसे रिस्टोर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं गूगल टैग मैनेजर के कोड को ब्लॉगर की वेबसाइट पर करेक्टली कैसे इंस्टॉल करें तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप ब्लू टैब ओपन कीजिए और गूगल पर गूगल टैग मैनेजर सर्च कीजिए। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, साइन इन टू टैग मैनेजर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको एक न्यू टैब में रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आपको गूगल टैग मैनेजर पर आपने जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रखे होंगे वो सब यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। और आपको जिस भी अकाउंट को डिलीट करना है तो आप उस अकाउंट को सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद में आप एडमिन सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट में अकाउंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट सेटिंग्स में आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स शो होंगे, तो इसके बाद में आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए, डिलीट पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर आपको ये आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा और कंटेनर के बारे में बताएगा और टैक्स ट्रिगर्स के बारे में बताएगा। और ये बताएगा कि अगर आप इस अकाउंट को 30 डेज तक रीस्टोर नहीं करते हैं तो आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे 30 डेज से पहले रिस्टोर कर लेते हैं तो ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली रिस्टोर हो जाएगा और आपको बस अपना वर्क स्पेस सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आप डिलीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट डिलीट हो जाएगा और वो आपका डिलीटेड अकाउंट रबिश बिन सेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये रहा आपका डिलीटेड टैग मैनेजर अकाउंट। तो ये प्रोसेस था गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को डिलीट करने का। अगर आप इस अकाउंट को 30 डेज तक रिस्टोर नहीं करते हैं तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब हम बताएंगे गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को रिस्टोर कैसे करें। तो आपको रबिश बिन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डिलीटेड अकाउंट की डिटेल्स दिखाएगा, कंटेनर्स दिखाएगा और यहाँ पर दिखाएगा परमिशन में कि आपका अकाउंट रिस्टोर हो सकता है। इसके बाद में आपको रिस्टोर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा और आपको अपने अकाउंट को लाइव करने के लिए इसमें कंटेनर को पब्लिश करना होगा। तो आप यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपका कंटेनर नोट पब्लिश्ड आ रहा है। इसके बाद में आप अपने कंटेनर को पब्लिश कीजिए, तो सबमिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कंटेनर का नाम दे सकते हैं गूगल टैग मैनेजर रिस्टोर और पब्लिश पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका वर्जन लाइव हो जाएगा और यहाँ पर आपको टैग शो करेगा और फाइव वेरिएबल शो करेगा। हमने गूगल टैग मैनेजर को अभी ब्लॉग स्पॉट पर रिस्टोर कर रखा है, उसी की वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर रखा है। हम आने वाले टाइम में जब वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि गूगल टैग मैनेजर को वर्डप्रेस पर कैसे इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस था गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट को डिलीट और रिस्टोर करने का किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहे। आपकी ब्लॉग स्पॉट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मुझ पर वीडियो क्रिएट करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।